आज बोलती कहानी .com पर आप सुनेंगे कहानी पोस्टमैन। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से वो माधोपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज़ की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वो उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती, काका ने मन ही मन सोचा। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी, काका खींचते हुए बोले। अभी आई, अंदर से आवाज़ आई। काका इंतज़ार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आया तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियाँ पहुँचानी हैं। और ऐसा कहकर काका दरवाज़ा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में देर लगा दी, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? काका ने हस्ताक्षर कराए और वहाँ से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाने के बाद वो उस घर के सामने पहुँचे। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे से डाल दे रहा हूँ, काका बोले। नहीं नहीं रुकिए, मैं अभी आई, लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डब्बा था। काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा, लड़की मुस्कुराते हुए बोली। इसकी क्या ज़रूरत है बेटा, काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पले कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बच्ची ने उन्हें चप्पले तो दे दी, पर वो उसे पैर कहाँ से लाकर देंगे। दोस्तों, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर ना हो, उसकी दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने यार मित्रों, अजनबियों सभी के प्रति संवेदनशील बने। आइए हम भी किसी के नंगे पाँव की चप्पले बने और दुख से भरी दुनिया में कुछ खुशियाँ फैलाएं। आज बोलती कहानी .com पर आपने सुनी कहानी पोस्टमैन।